की बात करें, जिला चंपारण की बात करें, देखते हुए लोग उठ नहीं पा रहे थे। मतलब लोगों को टॉयलेट भी लगा था लेकिन फिर भी लोग बैठे हुए थे और देख रहे थे। कितनी खुशी होती है, कितना गर्व महसूस हो रहा है जिला चंपारण के इस ट्रेलर लॉन्च पे। जी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, और आपका मैं नाम नहीं जानता हूँ, चलिए जिस तरह से आपने मुझसे प्रश्न पूछे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो आपने आपके प्रश्न से जब मेरे रोंगटे खड़े हो सकते हैं तो लोगों का जो अभी मिला है डिपार्केशन तो स्वाभाविक अच्छी लगी, अच्छी ही लगी है। और ट्रेलर अच्छी बनी है, सबको पसंद आया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लाल बाबू, कितना चैलेंज था, कितना कठिन था ये फिल्म, क्योंकि एक चेंज ओवर ला रही है ये फिल्म जिला चंपारण, क्या कहना चाहूँगा? सर हमने हम पिक्चर बंगाल इंडस्ट्री से बिलोंग्स करते हैं, हमारी करियर 28 साल की है बंगाल इंडस्ट्री से। हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, मैं मोतिहारी से बिलोंग्स करता हूँ, बॉर्न अपर बंगाल से हूँ। तो बहुत दिन 2014 से चाहो थी जो भोजपुरी फिल्म कर, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो 2016 में हमने इसकी शुरुआत की, फिल्म बनानी है हमने एक की। तो अच्छी फिल्म बनाने की चाहत थी, देखते थे बहुत शोरें बनती हैं, ये बनती है। अगर देखिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भोजपुरी में चलती हैं, तो अगर हम ऑडियंस को अच्छी कहानी, अच्छी साफ सुथरी फिल्म नहीं दें तो हमारी ऑडियंस इतनी गुर्बत नहीं है जो हॉल तक नहीं जाएगी। हालांकि साउथ की फिल्मों को डब देखती है, तो हमारी अगर भोजपुरी हम उस क्वालिटी की देंगे तो क्यों नहीं जाएगी? 25 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं, अगर हम 20% ज़्यादा नहीं 20% अगर लोगों हॉल तक हम लेकर जाए ऑडियंस को, तो साउथ से हमारी जो साउथ की जो बोली है, जो साउथ की इतनी बड़ी फिल्में बनती है, हम भी बना सकते हैं। हमारे पास 25 करोड़ है भोजपुरी भाषा, अगर 20 से 25% हम हॉल तक लाए, थिएटर तक ला सके, तो हमारी जो भोजपुरी की जो ए है वो बड़ी होगी, मेरी मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ। तो हमने कोशिश की एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, लेकिन हमारा मेन जो है, मेन तो लास्ट बैरियर जो होता है ऑडियंस होता है। 3 घंटे में ऑडियंस क्या बोलती है ऑडियंस के ऊपर है, लेकिन हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, सभी ने यहाँ पे सराहा है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले अच्छा ही करेंगे, ऑडियंस को अच्छा ही लगेगा। लाल बाबू जी, कितना चैलेंज था इस फिल्म को लेके, कहानी को लेके, कलाकारों को लेके, कितना चैलेंज था, कितना कठिन था? नहीं सर, मैं तो कोई काम चैलेंज से नहीं करता हूँ, मन से करता हूँ, दिल से करने की कोशिश की। हमारे इंटायर टीम, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, सभी ने हमारा साथ दिया। और इस फिल्म अकेले डायरेक्टर की नहीं होती है, ना प्रोड्यूसर की होती है, ना किसी की होती है, ना हीरो की होती है, फिल्म एक टीम वर्क है, हमें टीम वर्क क्यों बोलते हैं। सभी ने अपना बाखूबी से काम निभाया, तो इतनी अच्छी फिल्म बनी है। तो मैं अपने इंटायर टीम, हमारे प्रोड्यूसर सुंदर जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खेसारी की बात करें तो कैसा केमिस्ट्री रहा, क्या प्रभावित किया खेसारी की बातें, जो आपको पूरे फिल्म करते दौरान आपको याद रह गई हूँ खेसारी की? खेसारी जी का मैं फैन हूँ, चलिए बोले उनके गाने से लेकर सबका फैन हूँ, तो मैं खेसारी जी को लेकर ही फिल्म बनाने की सोची थी। और खेसारी जी के लिए 8 की शिफ्ट होती थी, तो खेसारी जी 7:30 बजे लोकेशन पे रहते थे, ना वैनिटी वेन्यूज करते थे ना कुछ, कभी कभी लोकेशन पे ही वो मेकअप कर लिया करते थे। तो अच्छा लगता है अगर एक्टर अगर समय पे दे, तो कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी आप शूटिंग जो होता है लंबा है, कितने पैसे खर्च होती है, तो हीरो अगर आपको वक्त देता है, ठीक समय देता है, तो और कलाकार भी उसी तरह से उसी राह पे चलते हैं। तो खेसारी जी का तो क्या बोलूँ, ह्यूमन बींग, हम भी बहुत इमोशनल है, वो भी बहुत इमोशनल है, तो बहुत मज़ा आया। इसके लिए हम लोगों ने अभी 2 फिल्में अनाउंस की हैं, जो हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं फ्लोर पे, एक फिल्म अक्टूबर में हमारी जा रही है राजा जानी। तो जब तक रहेगा तो मैं खेसारी जी के साथ आगे भी और काम करना चाहूँगा, मुझे तो मेरे दिल में रहते हैं खेसारी जी, जिसे ज़्यादा कहूँगा। तो हीरो हैं आज, स्टार हैं, सीखना स्टार ड्रम जो होती है ना, स्टार ड्रम एक आदमी नहीं देता, स्टार ड्रम एक आदमी नहीं देता है, उनमें वो कैपेबिलिटी है। देखिए सीखना तो आदमी जब तक जिंदा है सीखने का कोई अंत नहीं होता है, हर आदमी सीखते रहता है, तो मैं वो नहीं बोलूँगा। लेकिन एक जब हम लोग एक डायरेक्टर का जो होता है, जब हम लोग कोई कहानी चूज करते हैं, उसमें हम लोग खुद कहानी में जब तक कोई डायरेक्टर अंदर तक नहीं जाता है क्या चाहिए, तो हम तो जो हमने चाहा खेसारी जी ने जिला चंपारण के लिए दिया, और एक अलग रूप आपको 51 नंबर उनका फिल्म है जिला चंपारण आपको 51 नंबर दिखेगा। क्यों है 51 नंबर, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ।